हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज़, अभी मैं शाम को मतलब चाय पीने के लिए आता हूँ 10 मिनट के लिए घर पे, तो बीच में मैं थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ। यहाँ पे बैठ के अभी चाय पी रहा था तो मैंने सोचा भाई छोटी सी क्लिप आपसे शेयर करते हैं। तो चलें, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ अपने कबूतरों की जो सिचुएशन है, जो भी है, कबूतर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज मौसम बड़ा मस्त बना हुआ था पूरा दिन भर, और सारे कबूतर जो थे आज उनमें से कुछ जो थे अंदर थे, कुछ बाहर थे, कुछ को ठंड लग रही थी, कुछ को नहीं लग रही थी, और कुछ ने नहाया, खूब सारा नहाया आज। तो ये चेक करें ज़रा, ये रेनी मौसम आज बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है, और कबूतर सारे इस टाइम पे बाहर आए हुए हैं। ऊपर देखें, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। अब सर्दी स्टार्ट है समझ लीजिए इस बारिश के बाद। और ये आ गए जी मेरे लॉफ्ट का, या मेरे केजेस जो भी हैं, ये केज इस साइड पे है, एक दूसरी साइड पे भी है केज। तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए इस टाइम पे आता हूँ घर पे चाय शाय पीने के लिए, और फिर चाय शाय पीते टाइम इनकी वीडियो बना के तो बस इनको देखता हूँ, यहीं से देखता हूँ बेसिकली। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा वही रहा है जो मेरा बचपन से रहा है। कबूतर को मैं पास से नहीं ज़्यादा देखता, दूर से ही देखता हूँ और दूर से ही इनको एनालाइज करता हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी परख है, सोच है, अपना अपना तरीका होता है। तो मैं अपना जो है वो आपसे शेयर, मैंने कल आपसे लाइव वीडियो में भी किया। बाकी मौसम देखें कितना प्यारा है यहाँ पर, ये देखें मंज़र, ये देखें साइड पे, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है। ये देखें पूरा, ये देखें। तो अभी बस निकलने वाला था मैं, और मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लिप। बाकी कबूतर जो हैं सारा दिन जिन्होंने नहाना था वो बाहर बैठे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं नहाना था वो अंदर रहे हैं। और इस टाइम पे सारे कबूतर बाहर आए हुए हैं, तकरीबन सभी बाहर ही हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और कुछ को ठंड भी लग रही है, कुछ लगे हुए हैं अपने आप को चोंचे मार रहे हैं, पर शर सेट कर रहे हैं अपने। तो बड़ा मज़ा आता है इनको देख के, इस परिंदे को देख के, मतलब मैं बड़ा सुकून फील करता हूँ बेसिकली ना। जैसे 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 इनके पास बैठो, इनको देखो, इनकी हरकतें देखो, इनकी नोटिस करो हरकतें, तो बंदा फिर सोचता है यार दुनिया भर की जो टेंशनें हैं वो सारी मतलब ख़त्म हो जाती हैं यार ये इनको देख के। पता नहीं क्या रब ने डाला इस परिंदे को बनाते टाइम, इसके अंदर ये मोहित करता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। और सब बंदा झंझट भूल भाल के जो है इनके, जो इनको देख के एक सुकून फील करता है और टेंशन फ्री हो जाता है। मैं कहता हूँ बंदे को बीमारी भी कोई हो ना तो इनके पास आके बैठ जाए ना, तो उसकी सारी वो बीमारियाँ, सारी वो तकलीफ़ें, हर वो चीज़ मतलब इनको देख के दूर हो जाएगी कुछ पल के लिए। लाइफ टाइम के लिए तो नहीं, खैर कुछ पल के लिए ज़रूर दूर होगी, और मज़ा भी वही होता है। तो बस ये परिंदा, वो भाई साहब आ गए हैं, और ये देखें अपने यहाँ लगे हुए हैं। तो ये देखें, अब इनका दाना पानी का टाइम था, तो अभी बाहर खैर इनको नहीं खोल रहे हैं ज़्यादा, मौसम हमारे यहाँ पे ख़राब है तो इनको भी बाहर नहीं खोलना है, अंदर ही दाना पानी करते हैं ज़्यादातर इनका। हाँ, दूसरे केज वाले कबूतर जो हैं उस साइड पे थोड़े से ही हैं वो, 10-15 के करीब होंगे, वो हम बाहर खोलते हैं। बाकी जो हैं इनको वो देखें, खोल लेना बाहर, उस साइड वाले केज के हम खोलते हैं बाहर, इस साइड के नहीं खोलते। बाकी ये भाई साहब इनको दाना डाल रहे हैं, ये देखें। तो ये चले गए जी नीचे, सारे के सारे एकदम से नीचे चले गए हैं, है ना। इस टाइम पे भूखे भी थे, और वो देखें जो बाहर उस साइड वाले केज के जो कुछ चंद 5-7 कबूतर 10 कबूतर जो खोले होते हैं बाहर, मतलब उस साइड वाले खोलते हैं, इस साइड वाले नहीं खोलते हैं बाहर। तो ये देख लें जी, ये बच्चा मेरे ख्याल से कुछ बच्चे निकले हैं ऊपर, मैं जाके देख के नहीं आया बहुत दिनों से, तो बस इसी तरह से चल रहा है सिलसिला।
मैं तो अपनी कबूतरबाजी जो है इसी तरह से करता हूँ, और जब छत पे जाता हूँ तो फिर फुल टाइम फुल मस्ती में अपने फुल मूड में जाता हूँ। फिर मैं किसी की ना परवाह करता हूँ, ना मैं सोचता ना कुछ। जब मैंने उड़ाना है कबूतरों को, फिर उड़ाना है, डंडा दे के रखना है। अभी मैं नीचे हूँ, आराम से हूँ, सुकून से हूँ, तो बस अब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा, इनके पास नहीं जा रहा, या जो भी है आप समझ लीजिए। तो चले गए अब नीचे सारे कबूतर, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करें, ये मौसम चेक करें। यहाँ पे 10-15-20 मिनट के लिए आया था, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेता हूँ चाय पीते पीते। और तकरीबन आज पूरा दिन ही हल्की हल्की बारिश बूंदे पड़ती रही हैं, और ये आ गया जी मेरे केज का व्यू दूर से दूर से। तो चले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, गपशप जो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तभी बताइएगा। बाकी अभी फ़िलहाल भैया जो हैं बड़े, वही इनको देख रहे हैं, इनके वही केयर टेकर हैं बेसिकली, और उन्हीं की निगरानी में सारा कुछ होता है। मैं बेसिकली ऊपर नहीं जाता हूँ, साथ में उनका एक परमानेंट टाइम है सुबह जाने का और आने का, तो मेरा जाने का तो है लेकिन आने का कोई पता नहीं है मेरा। तो आने का जो है वो थोड़ा बीच में भी टाइम मिले या ना मिले वो भी बड़ा रेयर होता है, तो ये चेक करें ज़रा। तो चलें वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।